सब्सक्राइब करें टक पंग शर्माजी चैनल को एंड उसके बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टक पंग शर्माजी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने कई सारे वीडियोज देखा होगा यूट्यूब पर जिसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने स्मार्टफोन से अपने ओरिजिनल व्हाट्सएप से QR कोड को स्कैन करें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर, तो आपका जो व्हाट्सएप रहता है स्मार्टफोन का वो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर आप इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरीका बताऊँगा जिससे आप जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर बहुत ही आसानी से एक न्यू नंबर के साथ जो है साइन इन करके या फिर ID बना करके आप जो है उसमें यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च करना पड़ेगा क्रोम एक्सटेंशन। तो जैसे आप यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अभी आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जैसे इस तरीके से क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट में वेबसाइट आएगा chrome.google.com। देन आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस से हम अपने ब्राउजर के ऊपर किसी भी टाइप्स के एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक डिफरेंट एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपने क्रोम ब्राउजर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा APK ऑनलाइन इमुलेटर। एंड आपको इतना सर्च करने के बाद आपके सामने अभी जो है एक्सटेंशन आएगा जिसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप सर्च कर देंगे फर्स्ट में आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा एंड्रॉयड ऑनलाइन इमुलेटर। देन आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपको ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड होगा। देन डाउनलोड होने दीजिए आप इसको। डाउनलोड होने के बाद आपका जो है यहाँ पर एक्सटेंशन वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको एडेड शो होगा। एंड उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा। देन आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लॉगो दिखेगा। एंड अगर आपको वो लॉगो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन का लॉगो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पर आपका एक्सटेंशन शो होने लगेगा एंड्रॉयड ऑनलाइन इमुलेटर। अगर आपका अभी भी नहीं शो हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर टूल्स के ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक चीज़ चेक करना है कि आपका जो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑनलाइन इमुलेटर शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो कर रहा है तो आपका इमुलेटर डाउनलोड हो चुका है। और उसके बाद अगर आपका शो होने के बाद भी यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर यह चीज़ चेक करना है कि आपका यह ऑन है या फिर ऑफ है। आपका अगर ऑफ रहेगा तो आप इसे ऑन कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर शो होगा, शो होने के बाद आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन शो होने लगेंगे, My APK Manager/ एंड APK अपलोड। तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको रन एंड्रॉयड इमुलेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, माउस को आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप आपको दिख रहा है, इस पर आपको इंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप इंटर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगा। देन आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर रन ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट शो होगा और यहाँ पर आपको 1 या 2 सेकंड वेट करना है और आपको यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा apk.com.whatsapp.apk। जब तक आपको इस तरीके से शो नहीं होता है तब तक आप स्टार्ट पर क्लिक ना करें। देन आपको यहाँ पर इस तरीके से शो करने लगेगा तो आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको प्लीज़ वेट शो होगा। एंड यहाँ पर आपका कुछ सेकंड चलेगा। सेकंड चलने से पहले आपको यहाँ पर ऊपर में कुछ इस तरीके से कोड शो होने लगेगा, इसका मतलब आपका जो है इमुलेटर वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो है 5 या 10 सेकंड वेट कीजिए और आपका व्हाट्सएप अभी ओपन होने वाला है। देन आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और यहाँ पर आपको सक्सेस शो होने लगा। एंड यहाँ पर आपका जो है व्हाट्सएप ओपन होने वाला है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपके सामने ये पेज जो है रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपके सामने एक नया जो है पेज ओपन होगा। देन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, एक एंड्रॉयड फ़ोन के स्क्रीन जैसा आपको यहाँ पर एक स्क्रीन शो होगा जिसमें आपको यहाँ पर अभी व्हाट्सएप जो है वो ओपन होकर दिखेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है इस तरीके से एक जो है जैसे आपको व्हाट्सएप के अंदर इंटरफेस दिखता है उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिल सकता है, बट ये आपका प्रॉपर जो है वर्क करेगा। अगर आपका इंटरनेट जो है थोड़ा अगर स्लो है तो भी ये अच्छे से वर्क कर जाएगा। अगर आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो थोड़ा बहुत लैग आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री कोड के ऊपर इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना 91 इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले इंटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जिस भी नंबर से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो है एक नंबर इंटर कर देता हूँ और आपको मैं अभी साइन इन आपके सामने करके दिखाता हूँ। चलिए मैं अपना एक जो है यहाँ पर नंबर को पहले इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्मार्टफोन के अंदर क्लिक करते हैं सेम आपको जो है ऐसा ही यहाँ पर करना है और आपका जो एक तरह से स्मार्टफोन आपके जो है कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देन अब आपको यहाँ पर आपके स्मार्टफोन के अंदर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करने को बताया जाएगा। तो चलिए मैं OTP को इंटर कर देता हूँ। एंड उससे पहले यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप उसे अलाउ कर दीजिए जैसे आप स्मार्टफोन के अंदर करते हैं। अगर आप बैक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका स्मार्टफोन शो होने लगेगा और आपका जो है जिस तरीके से आप स्मार्टफोन यूज करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर स्मार्टफोन शो होने लगेगा। तो आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप अगर व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैंने अपना OTP इंटर कर दिया था। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो है नेम इंटर करना है। तो चलिए मैं नेम भी इंटर कर देता हूँ और सारा जो है लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा आप जो है स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं अपना व्हाट्सएप, वैसे ही आपको व्हाट्सएप यहाँ पर यूज करने को दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं आपका जो स्मार्टफोन के जैसा व्हाट्सएप जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर शो होने लगा है। और आप अगर जिस भी कॉन्टैक्ट के ऊपर अपना जो है चैट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नंबर सेव करना पड़ेगा। तो आप कॉन्टैक्ट वाले आइकन पर क्लिक करके इसे अलाउ कीजिए। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है और एक कॉन्टैक्ट को यहाँ सेव करना है। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मेल आईडी को अपना जो है साइन इन करना पड़ेगा ताकि आप जो अपने मेल आईडी के ऊपर नंबर सेव करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर अपना जो एक मेल आईडी है वो साइन इन कर देता हूँ और आपको यहाँ पर एक नंबर सेव करके उसके ऊपर कुछ मैसेज जो है सेंड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो है मेल आईडी अपना साइन इन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी पहले साइन इन कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मेल आईडी अपना जो है इंटर कर दिया है, उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड इंटर करना है। चलिए मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी जो है साइन कर लिया है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर चेकिंग इन्फो कुछ इस तरीके से शो होगा और आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करके इसे एग्री कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर आप नंबर जो है सेव कर पाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो अपना ऐड कर दिया है मेल आईडी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी कॉन्टैक्ट के ऊपर आप जो नेम सेव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपना नेम इंटर करके। एंड यहाँ पर फ़ोन पर आपको क्लिक करके अपना जो है मोबाइल नंबर वो इंटर करना है जिस पर आप मैसेज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आपका व्हाट्सएप ओपन करना है और आप उसी के ऊपर जो है चैट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आपका जो है कॉन्टैक्ट हो यहाँ पर आपको शो हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जब जो अपना कॉन्टैक्ट सेव करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर जो अपना कंट्री कोड को +91 को इंटर कर देना है। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का जो यहाँ पर कोड को इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप जो अपने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कीजिए और आप जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं इस तरीके से सेंड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन की तरह अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के ऊपर। तो आप जो डेटा को सेंड करना चाहते हैं या फिर किसी मीडिया फाइल को, तो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पर मैसेज मुझे रिसीव हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं मैसेज भी रिसीव हो चुका है। तो ये 100% वर्क कर रहा है और